युवा साथियों, आज ऐसा ही व्यक्ति 2021 में जो पेपर लीक और मार्कशीट बाहर आना, वीडियो आना, इसके अलावा जो व्हाट्सएप से बीकानेर से पाली तक जो पेपर पहुंचा उसको हल करके वापस भेजा गया, बाहर आ लोग गिरफ्तार हुए, डमी और बेटियों का मामला आना, और वीडियो एक नहीं दो हैं अलवर के अलावा जयपुर का वीडियो बताया जा रहा, और पेपर खुले में आना, ये सारे संकेत हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। ऐसे में इस जो 2021 के जो ऐसे ही भर्ती के जो अभ्यर्थी को न्याय मिले और सख्त से सख्त कानून बने, जिसमें ऐसे ही भर्ती नहीं है, जो तमाम भर्ती चाहे पटवारी को चाहे डीट को चाहे अभी जो भर्तियां भविष्य में होने वाली है, सभी युवाओं से मेरा एक निवेदन है कि आज हमने प्रयास किया, लगातार लोग आवाज़ उठाते हैं कि मुझे को मैसेज करते कॉल करते उपेन यादव साथ क्यों नहीं दे रहे। आज पूरे दिन भर मैं शहीद स्मारक था, पहले करीब शुरुआत में 100 लड़के, फिर बाद में 300 लड़के हो गए, फिर लास्ट में फिर 100-150 लड़के हो गए। तो साथियों, ये लड़ाई हम लोग 100-150 से 300 से 500 से 800 से 1000 लोगों से नहीं जीत पाए हैं। और अभी एसआई के जो अभ्यर्थी मुझे वापस मिले और वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को वापस हम आंदोलन कर रहे हैं, तो मैंने साहब कह दिया कि 100-200 से लड़ाई नहीं जीती जाती, नहीं मैं आऊँगा 100-200 में। क्या मतलब है? अरे हम कहीं महापड़ाव भी डालते हैं, सिविल लाइन्स फाटक भी जाते हैं, किसी नेता के घर भी बैठते हैं। तो साथियों, न्याय तभी मिलेगा, कानून तभी बनेगा कि जब हम लोग हजारों की संख्या में, कम से कम 2000 लोग तो इकट्ठे हो, जब तुम 7.5 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे, तो 2000 लोग भी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं क्या? अन्य भर्तियों के जो हैं, चाहे पटवारी की तैयारी कर, चलो रीट वाले नहीं आए, जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, लाखों लोग जयपुर में रहते हैं, कम से कम अपने भविष्य के लिए लिख लिए। साफ कह रहा हूं कि जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो लोग डमी अभ्यर्थी बिठा रहे हैं, जो लोग नकल कर रहे हैं, उनसे ज्यादा दोषी तो वो अभ्यर्थी है जो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। कम से कम आवाज उठाए, इस अभियान में जुड़े, साथ दो। यदि आपके अभ्यर्थी 2000 प्लस यदि परसों होते हैं तो मैं आपका साथ देने आऊंगा, अन्यथा मैं 100-200 के लिए नहीं आऊंगा। आज पूरे दिन भर अभी तक खाना नहीं खाया, आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा था, आप लोगों की आवाज बुलंद कर रहा था। और यदि आप लोग आओगे, आप हजारों की संख्या में आओगे, तो मैं वादा करता हूं मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे सिर फूटे चाहे कुछ भी हो, वहां बैठ गया तो बैठ गया, फिर सरकार को वार्ता करनी पड़ेगी और समाधान भी करना पड़ेगा और आपको न्याय भी मिलेगा। 2021 जो ऐसा ही भर्ती है, जो अन्य भर्तियों को, आपको न्याय भी मिला, कानून भी बनेगा। इसलिए अब आपके पास है, यदि आप जागते हो, अपने भविष्य के लिए आते हो, तो कहने नहीं आपके साथ अच्छा हो सकता, आप नहीं जागे तो फिर बाद में कुछ नहीं होगा, मामला ठंडा पड़ जाएगा, पुलिस रिपोर्ट दे देगी, कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होगा, साफ कह रहा हूँ। लेकिन आप जाग गए और आप 2000 प्लस लोग आप आते हो, जो टारगेट हमारा 2000 का, तो आपके लिए मैं अंतिम क्षण तक आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा और आपको न्याय भी मिलेगा, आपके सपनों के साथ कुठारघात भी नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, जो तमाम राजस्थान के युवा बेरोजगार उनसे भी, और विशेषकर जो एसआई भर्ती 2021 के जो अभ्यर्थी उनसे भी अपील है कि अपना भविष्य बचाना चाहते हो, न्याय चाहते हो, तो परसों का ये तारीख फिक्स कर रहे हैं, आपको स्थान और समय ये लोग बता देंगे, मैं आ जाऊंगा। और यदि आप लोग इकट्ठे नहीं होते तो मैं नहीं आऊंगा, ना साथ दूंगा, फिर मुझे दोष मत देना कि आप साथ क्यों नहीं। आज पूरे दिन भर था और अभी भी लास्ट मौका है, घर से निकलिए, अपना भविष्य बचाइए। जय हिंद, जय भारत।